हाय हेलो नमस्कार, तो स्वागत है आप सभी लोगों का फिर से एक और नए ब्लॉग में। बाय द वे आज के ब्लॉग की शुरुआत हो रही है दूल्हे राजा के घर से। दूल्हे राजा काफी व्यस्त चल रहे हैं भाई। तो सुबह 4 बजे लगभग सभी लोग आ गए थे, तो सबने अपना अपना काम करा। मुझे तो थोड़ा लेट हो गया था। यहाँ को बन रही है पूरी आलू के गुटके। दाजू वाले ने यहाँ अगला करता धरता तू है अभी ये देख ही रहा तू है। बस ठीक हो ठीक हो। यहाँ पे बनेंगी पूरियाँ और यहाँ पे पूरियाँ बेल रहे और उस साइड में बनेगा आलू के गुटके जिसके करता धरता हमारे मना है। बाकी थोड़ा बहुत हाँ दोबारा आ गया है क्या फिर तो धन्यवाद यार क्या है। अरे बहुत बहुत धन्यवाद कहा आज। अच्छा कब रहा है अगला 4 बजे। अरे चल करे 4 बजे है तू दिमाग खराब या खबर पूजा ला भाई। मॉर्निंग 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 4 बजे निकला दिमाग खराब। तो चलिए जी वहाँ थोड़ी बहुत हेल्प करने के बाद मैं घर आके तैयार भी हो गया हूँ। अपने प्रधान जी भी आ गए यार तैयार हो गए। तो स्लोली स्लोली करके ना अब यहाँ को भी गाड़ियाँ लगने लग गई हैं और अब इसी के साथ है प्रधान और अब हम लोग जा रहे हैं शादी वाले घर में। और बाजे गाजे तो बढ़िया ही सुनाई दे रहे हैं मतलब। और सूरज चंदू भी देखो बढ़िया कोट पैंट पहन के तैयार होके आ गए यार शादी के लिए ना। ये छपेली भी गा रहे हैं यार। तो यहाँ दूल्हे राजा को तैयार किया जा रहा है भाई। कुमकुम लेके जरा मुच्छा गोल करवाओ जरा बढ़िया कर गई गोल है। अरे दूल्हे राजा बहुत बहुत बधाई है बोला। तुम नहीं दूल्हे हो भाई। भाई हो भी तुम दूल्हे थोड़ी हो। मैं दूल्हे को बधाई दे रहा हूँ।
शादी तैयार होके रोड में आ गई है, बाकी हम लोग बैठ गए हैं पप्पू दा के साथ। ओके जी, तो चलते चलते अभी हम लोग पहुंचे हुए हैं समकोट के ग्राउंड के पास। यहाँ पे है समकोट फील्ड और स्टिंग का मजा लिया जा रहा है। बाकी सारी गाड़ियां आगे से जा चुकी हैं, हम लोग थोड़ा सा पीछे हैं इसी कारण वजह से। हाँ, एक रीजन है उसका भी, साथ में एक बहुत ही होनहार आ गए थे ना। शेयर नहीं करेंगे, आप कमेंट में बोलोगे कि क्यों हम लेट है। एक साथ में आपने देखा होगा, बहुत ही थोड़ा हो जाता है ऐसा कभी कभार ना। तो आप इस चीज को कमेंट में बताइएगा, फिर उसका जवाब आपको मिल जाएगा। विचार, अपने विचार प्रकट जरूर कीजिएगा कि किस कारण शादी में होता ही है। शादी में होता ही है, एक तो मतलब होता ही है, तो उसी की वजह से जो है हम लेट हो रहे हैं। तो थोड़ी देर में हम पहुंचते हैं शादी वाले घर में, तो वही मिलते हैं आप लोग, चिल करके मिलेंगे अभी। तो फिलहाल ना यहाँ पे काफी ज्यादा कीचड़ है, तो हम लोग उतर गए हैं और छोटी वाली गाड़ी के लिए ना यहाँ पे थोड़ा सा मुश्किल होने वाला है, तभी जाके निकल जाएगी। दो गाड़ियाँ वहाँ पे रुकी हुई है ना, हमारी वाली निकाल लेंगे, शादी की निकल जाएगी ना। जगह दो ना, रुको ना, जाग में गिल पे जा। तो देखिए काफी ज्यादा कीचड़ हो रहा है, तो पप्पू दाजू लेके आ रहे हैं फिर फरारी अपनी। ठीक है निकल गई, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ को आप लोग देख सकते हैं, रोड की कंडीशन बहुत ही खतरनाक वाली है भाई। ऊपर को पूरा चट्टान है और नीचे को भी चट्टान, चट्टानों को काट के जो रोड बना रखी है ना, रूह कपा दे रही है। कहाँ मजा आ रहा है यार दादी, आपको पहाड़ों में ऐसी सड़कें ना ज्यादातर मतलब देखने को मिली जाती हैं। खासतौर भूकंप एरिया प्लास्टर करेंगे, मकाने धस जाएंगे, हर चीजों का जहाँ विकास वहाँ विनाश है। अब देखिएगा ऐसे चट्टानों को काटते हुए। तो फाइनली देखिए यहाँ को थोड़ी बहुत गाड़ियाँ लगी हुई हैं और थोड़ी बहुत गाड़ियाँ यहाँ को लगी है, और पार जो आपको गांव दिखाई दे रहा है ना, वो समकोट गांव है। और यहाँ से नीचे का व्यू देखो भाई, बहुत ही डरावना है। तो शादी की गाड़ियाँ तो फिलहाल यहाँ पे लग चुकी है, बारात आगे को चली गई है, तो अब हम भी चलते हैं आगे को। तो हमारे सुरेश दाजू का कहना है कि बारात जो है जहाँ धुआं आ रहा है ना, वो वहाँ है, वहाँ है। लेकिन जितनी धुआं आलूती वाली बरियात का आदिम है यार, तू आएगा वही तो खाना बन रहा है, मांग शील का रखा हुआ। तो ये गांव का नाम क्या है? वो है कोटा। हाँ, तो मैं आप लोगों को एक बार ये बताऊं कि यहाँ से ऊपर को ये वाला एरिया, वो वाला कोटा नहीं है, इस गांव का नाम है कोटा। ये वाले बेल्ट से उधर को, फिर ये आता है पन्नरपाला, और वो वाला आता है खड़ीग ये है खड़ीग, फिर वो डनार, और जो सामने है वो डनार। और अब हम लोग चलते हैं यहाँ से पैदल। तो फिलहाल हम लोग पहुँच चुके हैं डाकुला गांव में, ये यहाँ का पहला मकान है, और शादी वाला घर अभी है शायद थोड़ा सा आगे। तो शादी वाला घर है वहाँ पे, और बराती अभी रास्ते में ही है। तो फाइनली हम लोग पहुँचने वाले हैं। तुम्हारा मन छा जो ना रहा या फिर वही Oh,
छुट्टी।